नमस्कार। भारत का भूगोल इस क्लास में एमए उत्तरार्ध के सभी विद्यार्थियों का स्वागत। मैं डॉक्टर हेमंत मंगल, सह आचार्य भूगोल, राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू। जैसे आपको विदित है, पिछले कई वीडियोस में हम लोग भारत के भौतिक स्वरूप को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि किस आधार पर, किन किन आधारों पर हम भारत को विभिन्न भौतिक भागों में बांटते हैं, फिर प्रत्येक भौतिक भाग की क्या भौगोलिक या सांस्कृतिक विशेषताएं हैं। पिछली घड़ियों में हमने पहले तो भारत का सामान्य परिचय लिया था, फिर भारत को 5 मुख्य इकाई में बांटते हुए क्रमशः उत्तरी मैदान, उत्तर पर्वतीय प्रदेश और प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बात कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने प्रायद्वीपीय पठार का जो प्रथम भाग था उसमें किस प्रकार इसका गठन हुआ, किस प्रकार इसका निर्माण हुआ, हमने उसमें देखा था कि प्रायद्वीपीय पठार को मुख्य रूप से विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतमालाएं दो मुख्य भागों में बांट देती है। तो आज उसी कड़ी में आज हम दक्षिणी पठार का विशेष अध्ययन करेंगे। दक्षिण का पठार, पठारी भूमि का यह मुख्य भाग ताप्ती नदी के दक्षिण में लगभग त्रिभुज आकार में फैला हुआ है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु निम्नांकित राज्यों में यह दक्षिण का मुख्य पठारी भाग विस्तारित है। जो उसका उप भाग है, इसमें मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, शिलोंग या राजस्थान के पठारी भाग थे, उत्तरी भाग था। दक्षिण का जो मुख्य भाग है यह मूलतः ताप्ती नदी के दक्षिण में है और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में विस्तारित है। इसका निर्माण भी धरातल में सतत ज्वालामुखी क्रियाओं के निरंतर और लंबे समय तक की आवृत्ति के कारण हुआ। यदि समग्र रूप से देखें तो इस दक्षिणी पठार भूमि की, मुख्य भूमि की औसत ऊंचाई 780 मीटर है एवं इस भूभाग का ढाल पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ है। यद्यपि प्रायद्वीपी भारत का अधिकांश भाग का ढाल पूर्वी दिशा की तरफ, बंगाल की खाड़ी की तरफ है, लेकिन चूंकि ये मैदान अपभ्रंशन क्रिया का परिणाम रहा है तो भ्रंश घाटी निर्माण के कारण नर्मदा और ताप्ती नदियाँ ढाल के विपरीत बहकर अरब सागर में जाती हैं, इसलिए इसका ढाल पूर्व की तरफ भी है और पश्चिम की तरफ भी है। मोटे तौर पर इस ढाल को 5 उप भागों में बांटा जाता है। जो दक्षिणी प्रायद्वीपीय मुख्य भूमि है इसको हम 5 उप भागों में बांटते हैं। नंबर 1, मराठा पठार, ये मूलतः महाराष्ट्र में स्थित है मराठा पठार। दूसरा, तेलंगाना पठार, मूलतः आंध्र में स्थित है, वर्तमान में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दो अलग राज्यों के, तो इसको बोलते हैं तेलंगाना पठार। तीसरा, कर्नाटका का मैसूर पठार। फिर उड़ीसा का जो पठारी भाग है वो इसमें था उड़ीसा पठार। और अंतिम उपभाग है तमिलनाडु पठार। इस मुख्य के 5 भाग हैं, मराठा पठार, तेलंगाना पठार, मैसूर पठार, उड़ीसा पठार और तमिलनाडु पठार। हम बारी बारी से इन 5 उपभागों की संक्षिप्त लेकिन प्रमुख विशेषताओं को समझने का प्रयास करेंगे कि किन भौगोलिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के आधार पर ये प्रत्येक उपभाग एक दूसरे से भिन्नता लिए हुए हैं। इसी कड़ी में सबसे पहले मराठा पठार। जैसा कि मैंने प्रारंभ में बताया था, महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित यह पठारी भाग मूलतः बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। बेसाल्ट का शाब्दिक अर्थ मैं आपको
संक्षिप्त में बता दूं, ऐसी कोई भी रचना या चट्टान जिसका निर्माण ज्वालामुखी क्रियाओं से हुआ हो उसे बेसाल्ट के नाम से जाना जाएगा। जो मराठा पठार है यह मूलतः बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है एवं कृष्णा, भीम, गोदावरी इस मराठा पठार भाग की प्रमुख नदियां हैं। इन नदियों द्वारा इस संपूर्ण भाग पर निरंतर क्रियाएं हुई हैं। तो यहाँ पर अजंता और एलोरा प्रमुख और विश्व विख्यात गुफाएं हैं। ये मूलतः अपरदनकारी प्रक्रमों द्वारा निर्मित गुफाएं हैं जो अपनी विभिन्न कलाकृतियों और रचनाओं के कारण विश्व विख्यात है। हर वर्ष लाखों की संख्या में लोग देश और विदेश से आते हैं इन गुफाओं को देखने। नंबर दो पर है तेलंगाना पठार। पूर्व आंध्र प्रदेश, मैंने प्रारंभ बताया था आंध्र प्रदेश के दो विभाजन हो गए, आंध्र प्रदेश और एक हिस्से को कर दिया तेलंगाना। तो तेलंगाना पठार वर्तमान में तेलंगाना राज्य में है। यह पठारी भूभाग औसतन 610 मीटर ऊंचाई लिए हुए है। निम्नीकरण के प्रभाव से संपूर्ण भूभाग में लहरदार एवं चौड़ी घाटियां एवं उनसे युक्त मैदान है। और सबसे प्रमुख विशेषता यदि इस पठारी भाग की है कि यहाँ की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं वह अपरदनकारी प्रक्रमों के कारण ऊपर से लगभग तीव्र न होकर गोल हैं। यहाँ की जो श्रेणियाँ हैं वो गोल चोटियों युक्त हैं। यह जो पहाड़ियाँ हैं वो गोल चोटी युक्त पहाड़ियाँ हैं। इसका कुछ उदाहरण ये देखिए इस तरह की। नंबर तीन, मैसूर का पठार। दक्षिणी पठारी भाग का या मुख्य भूमि पठार का मध्यवर्ती भाग, भाई ऊपर वाला मराठा पठार, फिर तेलंगाना, उसके बाद कर्नाटक राज्य में अवस्थित ये मैसूर पठार दक्षिणी पठारी भूमि का मध्यवर्ती भाग है, जो कि मूलतः तुंग और भद्रा तथा कावेरी नदियों द्वारा प्रवाहित है। इसका अधिकांश भाग लंबे भ्रंशों एवं सतत ज्वालामुखी क्रियाओं के निरंतर और लंबी आवृत्ति के कारण इनका निर्माण हुआ है। मैसूर पठार की जो रचना है वह भी मूलतः बेसाल्ट चट्टानों से ही हुई है। ये चित्र में देखिए मैसूर पठार, ये दक्षिणी प्रदीप भूमि के अलग अलग भाग को इसी मानचित्र में दर्शाने का प्रयास किया है। फिर है उड़ीसा और तमिलनाडु पठार। उड़ीसा राज्य में विस्तारित जो पठारी भाग है उसको कई बार उत्कल पठार या उत्कल मैदान के साथ साथ उड़ीसा पठार के नाम से भी जाना जाता है। तथा दक्षिणी प्रायद्वीपी भूमि का जो भाग तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है उसे तमिलनाडु पठार के नाम से जाना जाता है। यह मूलतः उड़ीसा और तमिलनाडु राज्यों में अवस्थित है। यह भाग तीव्र ढालयुक्त है, फलतः यहाँ जो नदियाँ प्रवाहित होती हैं वो अत्यंत तीव्र ढाल वाली हैं। क्यों? क्योंकि जो ढाल है ये अत्यंत तीव्र ढालयुक्त है, पठार है जो है, तो नदियाँ तीव्र बहती हैं। मुख्य दक्षिण पठार का ढाल दक्षिण से पूर्व की तरफ है। इन दोनों सीमाओं पर क्रमशः पूर्वी और पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ हैं। पूर्वी और पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ इस दक्षिणी प्रायद्वीपीय भूमि को पूर्वी तटीय मैदान एवं पश्चिमी तटीय मैदान से पृथक करती हैं। यद्यपि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था प्रायद्वीपीय भूमि प्रायः कम उपजाऊ होती है, लेकिन यदि हम कपास की दृष्टि से देखें या कुछ हिस्सों को देखें तो वे अत्यंत उपजाऊ हैं।
जैसे तमिलनाडु का चंदन वाला वन, नीलगिरी की पहाड़ियाँ बहुत उपजाऊ हुए हैं, इलायची पहाड़ी बहुत उपजाऊ हुए हैं, ऐसे महाराष्ट्र के अनेक क्षेत्रों में कपास मूंगफली की खेती प्रचुर मात्रा में होती है, मोटे अनाज प्रचुर मात्रा में होते हैं। अब इन घाटों के बारे में बात कर लेते हैं। पूर्वी घाट, पूर्वी घाट महानदी की घाटी से नीलगिरी तक फैला हुआ है। इसकी कुल लंबाई 800 किलोमीटर, औसत ऊंचाई तुलनात्मक कम है। ये घाट उत्तर में लगभग 200 किलोमीटर और दक्षिण में ये अनुमानते हैं 100 से 110 किलोमीटर चौड़ाई वाले हैं। ये घाट मूलतः नीस और चारकोनाइट चट्टानों से निर्मित है। इन ढालों की प्रमुख नदियाँ महानदी, गोदावरी, कावेरी और पेन्नार प्रमुख हैं। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये सवाल आ जाता है कि सब दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है, आप बताइए। गोदावरी नदी, गोदावरी नदी को कई बार शाब्दिक अर्थों में दक्षिण की गंगा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जिस प्रकार उत्तरी मैदानी भागों में गंगा नदी जीवनदायिनी नदी है, उसी प्रकार दक्षिणी पठार में गोदावरी नदी जीवनदायिनी नदी है। इन भागों में जो प्रमुख पर्वत चोटियाँ हैं या प्रमुख पहाड़ियाँ चोटियाँ हैं, उनमें है मलयगिरी, वेलिकोंडा, कोलाई, मलाई इत्यादि। आप देखिए कितने नैना विराम दृश्य हैं। यदि हम पर्यटन, खनन की दृष्टि से देखें और पर्यटन में भी मुख्यतया धार्मिक पर्यटन की दृष्टि में देखें, तो जो द्रविड़ सभ्यता थी वो बहुत विकसित सभ्यता रही है। खनन के हिसाब से आपको बताइए, मैंने पिछले वीडियो में बताया था छोटा नागपुर का पठार बहुत खनिज संपन्न प्रदेश है, उसी प्रकार दक्षिण का पठार भी खनिज संपन्न प्रदेश है। मशहूर सोने की खदान कोलार इसी पठारी भाग की मुख्य भूमि है। उसके अलावा बहुत सारी धातुओं का उत्सर्जन यहाँ होता है। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट। ये घाट महाराष्ट्र में ताप्ती नदी से लेकर दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक विस्तारित है। पश्चिमी तटीय मैदानों और प्रायद्वीपी मैदान के भाग में, प्रायद्वीपी पठार के बीच में ये अवरोधक की पाती है। इनकी कुल लंबाई 1600 किलोमीटर, औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। घाटों की औसत ऊंचाई 1150 मीटर है। इनका जो सागर की तरफ वाला भाग है वह सीधा एवं तीव्र है। इस भाग की प्रमुख नदियाँ तुंगभद्रा, कावेरी, पेनार, कृष्णा और पेरियार है, तथा प्रमुख चोटियाँ सातमाला, महाबलेश्वर, पालिनी, नीलगिरी इत्यादि। महाबलेश्वर एक बहुत बड़ा टूरिज्म सेंटर भी है। ये वेस्टर्न घाट है। अब महत्व की बात करें हम, मैंने शुरू में बताया था प्रायद्वीपी पठार खनिज प्रधान पठार है। जल विद्युत विकास की यहाँ पर अनंत संभावनाएं हैं। पर्यटन के बारे में बता दिया, धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से ये एक प्रमुख केंद्र है। कुछ मशहूर धार्मिक मंदिर जैसे पद्मनाभम मंदिर, तिरुपति बालाजी का मंदिर, ऐसे अनेक केंद्र यहीं पर हैं। वन उपज के लिए बहुत प्रमुख केंद्र है। बागाती फसलों विशेषकर चाय, कॉफ़ी, कोको, रबर के यहाँ पर विशाल बागान हैं। नारियल के भी बागान यहाँ पर हैं। कपास और मोटे इन अनाज का भी यहाँ पर प्रचुर उत्पादन होता है। खनिज संपदा की दृष्टि से मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर
तेलंगाना, कर्नाटक लोहे लोहे इस्पात के लिए प्रमुख है। इसके अलावा मैगनीज, इसके अलावा मैग्नीशियम, अभ्रक, कई प्रकार की मिट्टियाँ, चूना, चारकोलाइट के प्रमुख उत्पादन केंद्र प्रायद्वीप पठार में ही हैं। जल विद्युत की बात करें तो चूँकि पूरा भाग ऊबड़ खाबड़ असमान धरातल वाला है, तो जल विद्युत के लिए यहाँ पर आदर्श दशाएँ मौजूद हैं और उसी अनुरूप यहाँ पर वन और वन्य जीव विविधता भी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ये कुछ प्रमुख धार्मिक और भौतिक पर्यटन केंद्र हैं। कुछ प्रमुख जलप्रपात यहाँ पर हैं जिन पर लाखों टूरिस्ट हर वर्ष आते हैं। धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक हर दृष्टि से प्रायद्वीपी पठार भारत में एक अलग तरह की विशेषता समाहित लिए होता है। यदि हम भारत के दो प्रमुख हिस्से करें, उत्तरी और पश्चिम, उत्तरी और दक्षिणी, तो आर्य और द्रविड़ आमतौर पर मानते हैं, तो द्रविड़ सभ्यता उत्तरी भारत की सभ्यता की तुलना में बिल्कुल अलग है। खान पान, भाषा शैली, बोली, लोकचार, तीज त्यौहार, सांस्कृतिक लक्षण, ये पूरी तरह भिन्नता लिए होते हैं। लेकिन बावजूद इस भिन्नता के है कुछ ऐसी बात कि भारत विविधताओं के बावजूद भी यूनिक है। इसके बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे और मैं आपको शेयर करूँगा। क्यों करूँगा? क्योंकि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, आपके बीए में भी कई बार सवाल आ जाता है कि भारत विविधताओं वाला देश है, फिर भी ऐसा क्या कारण है कि इतनी विविधता होते हुए भी हम आपस में एक हैं। तो हम उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि इसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा एक तटीय प्रदेशों के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे विविधताओं के बारे में कि ऐसा क्या है। वो अक्सर किसी कवि का शेर है ना कि कुछ तो बात है दौरे जहाँ में मिट्टी हस्ती नहीं हमारी। क्यों इतनी विशेषताएँ हैं, इतनी भिन्नताएँ हैं, फिर भी हम एक हैं। यही हमारी सांस्कृतिक, सामाजिक, चारित्रिक एकता है। ये कुछ और चित्र हैं, इसमें रबर के बागान, विभिन्न प्रकार की फसलें, कपास का उत्पादन, नारियल के बागान इत्यादि। धन्यवाद।